भैरव सिंह, आपने कहा कि आपने सत्संग विदिशा में सुना है, मुलाकात करने की कोशिश की, आपसे आपकी हमसे एक बातचीत नहीं हो पाई। आप चरम रोग से पीड़ित हैं, बीमारी काफ़ी लंबी पुरानी है, कब तक ठीक होगी और ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा क्यों हो रहा ये तो पर्चा बनने पर हम निकाल पाएंगे, ठीक होने का हम विधान आपको अभी दे सकते हैं। गंगा जल और कामिया सिंदूर लेकर के आप आ जाओ, हम एक अभिमंत्रित मंत्र चिकित्सा की औषधि बना देंगे। तब तक आप सोमवार के दिन भगवान महादेव को अभिषेक करके जल चढ़ाओ और उसी जल जो बहने लगे उस जल को बटोर करके एक पात्र में रख के पूरे शरीर में लगाओ। उस मंत्र चिकित्सा में आपके जब आप अभिषेक करें तब ओम नमः शिवाय की धुनि बड़ी तेज हो, उस मंत्र चिकित्सा से आपकी रोग में लाभ होने लगेगा। जाओ भैरव सिंह, नाम ही भैरव है तुम्हारा, ठीक हो जाओगे। विकी सिंह है, ये कह रहे हैं हृदय चरण स्पर्श, भगवान का अनुभव करने का कुंजी क्या है? विकी सिंह, प्रश्न अच्छा है, भगवान का अनुभव करने का कुंजी क्या है? भक्ति, संतों का संग, दो कुंजी ऐसी हैं कि आप साधु संगत करने लगोगे, संतों की आदत जीवन में डाल लोगे, किसी सिद्ध और बुद्ध महापुरुष की शरण में अगर तुम नज़दीक अटकने फटकने भटकने भी लगोगे तो तुम्हें प्रायः ही स्वभाववश भगवान के अनुभव होने की कुंजी प्राप्त हो जाएगी। रानी बहन ने ये कह रही हैं, सीताराम गुरुजी, सीताराम हमने श्रीयंत्रम धाम से लिया था, उसमें एक माला है श्रीयंत्रम, क्या उसे औरतें पहन सकती हैं और उसका नियम क्या है? हाँ, पहननी चाहिए पवित्र दिनों में भगवान नाम जप करके, बिल्कुल पहननी चाहिए, कोई दोष नहीं है जो लक्ष्मी श्री अंतरम में आपको माला प्राप्त हुई है।